सीधे आपको ले चलना, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सब का यह गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लो वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी अनुभव कर रहा है और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे, आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका आज लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ, नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े, उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हरेक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक ओर भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो, भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व देन दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था,
जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं।